विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल के संयुक्त तत्वाधान में आज दुर्ग के सागर होटल में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें गोवंश को बचाने हेतु कई प्रकार के प्रयास किए जाने की बात कही गई एवं सरकार को भी कई परामर्श दिए गए एवं साथ ही मांग भी की गई। इस बारे में जानकारी देते हुए विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल के पदाधिकारियों ने पूरब टाइम्स को कुछ इस तरह से बताया। आज हमने पत्रकार भाइयों को यहाँ पर आमंत्रित किया कि हमारे छत्तीसगढ़ प्रांत और दुर्ग जिला बहुत बड़े पैमाने पे गौ तस्करी का केंद्र बन गया है। हमारे प्रांत और जिले के बड़ी मात्रा में गौवंश कटने के लिए बूचड़खाना में भेजे जा रहे हैं। हम लोगों ने जितना संभव हुआ इस काम के रोक करके FIR करने का प्रयत्न किया और FIR भी हुआ, किंतु उस पर कार्यवाही बहुत प्रभावी ढंग से नहीं हो पा रही है और गौ तस्करों का मनोबल बढ़ता जा रहा है और इस पे संरक्षण का पर चूंकि वर्तमान सरकार ने एक बहुत अच्छी योजना ली नरवा घरवा गुरवा बाड़ी, तो इस योजना में जो गौठान योजना उनने चालू किया सराहनीय है, परंतु कुछ जगह गौठान अच्छे चल रहे हैं, कुछ जगह अच्छे नहीं चल पा रहे हैं। साधन की व्यवस्था हो सकती है, मैनेजमेंट की व्यवस्था हो सकती है, तो हम आज पत्रकार भाइयों के माध्यम से इस बात को सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं कि गौ संरक्षण में प्रभावी ढंग से कार्रवाई की जाए। अभी जैसे दुर्ग जिले के अंदर ही लगभग 1000 एकड़ के क्षेत्र को वन क्षेत्र घोषित करके और वहाँ पर गौवंश को रखने की बात भी आई है, तो हम चाहते हैं इस योजना को बड़े वृहद पैमाने में शीघ्रता से एक अच्छा बजट दे के चालू किया जाए और वहाँ पर कटने जाने वाली गौवंश को जो बाहर बूचड़खाने में जा रही है उनको रखने की व्यवस्था, कम से कम 5-10 हज़ार गायों की रखने की व्यवस्था हो, तो इससे न सिर्फ वो वन क्षेत्र उपजाऊ बन जाएगा, वहाँ पर बृहद वृक्षारोपण हो जाएगा, चारा का उत्पादन हो जाएगा, जल की वहाँ कोई समस्या नहीं है। ऐसा एक प्रभावी प्रोजेक्ट दुर्ग जिले के अंदर आता है तो निश्चित रूप से हमारे लिए देश में एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। हम माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करते हैं कि आपके ऐसे हर कामों में हम लोग पूर्ण सहयोग करने को तैयार हैं। आया होगा कि गायों की नीलामी का एक आदेश निकाला था नगर निगम ने, जैसे हमारे संज्ञान में आया तत्काल उसका विरोध प्रदर्शन हुआ, निलंबन रद्द हुआ, लेकिन अभी भी कई जगह पर नीलामी की योजना कुछ नगर निगम करते हैं। जैसे अभी कांकेर में मैंने सुना है, अभी मेरे पास कल ही फोन आया है कि कांकेर में भी नीलामी करने की योजना है। मतलब कहीं ना कहीं अगर विरोध नहीं होगा तो नीलाम कर देंगे लोग, और नीलामी में लेने वाला कौन है? दलाल और तस्कर लोग होते हैं, गौपालक नहीं आने वाला लेने के लिए। हम मुख्यमंत्री से सीधा सीधा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से निवेदन करना चाहते हैं कि अगर आप में आपकी नीयत साफ है अगर गौवंश को बचाने के लिए, तो आप कम से कम ये गौठानों में जो गौठान का जो विषय आप लेकर आए हैं, वो कई गौठान ऐसा है जो फेल हो चुका है आपका, जहां पर गाय नहीं है चारा पानी की व्यवस्था नहीं है, और जहां पर गाय है वहां पर चारा पानी सरकार दे नहीं रही है, संचालन करने वाले परेशानी में आ चुके हैं कि उनके पास व्यवस्था नहीं है। हम सरकार से मांग करते हैं कि ये सारे फसाद की जड़ को हटा करके गौ अभ्यारण आप लाएँ। 1000 करोड़ गौवंश के लिए आपके पास फंड रहता है, आप सही काम अगर करना चाहते हैं तो गौ अभ्यारण छत्तीसगढ़ के चारों कोने में बनाएं। 500-500 एकड़ में आप बाउंड्री वाल करके CCTV लगा करके बढ़िया 200 एकड़ में आप चारा उगा दीजिए और वहीं पर गायों को ले जा करके आप छोड़ दीजिए, उनको स्वतंत्र कर दीजिए और चारों साइड से अपने सरकार के नुमाइंदे को बैठा दीजिए वहाँ पर देख रेख करने के लिए, और सारी व्यवस्थाएँ वहीं से हो जाएगी। मैं अपने व्यक्तिगत इससे बोल रहा हूँ कि इसमें ज़रूर गौ तस्करी में कमी आएगी, जो गायों में रोड पे जो सड़क में जो गायें बैठे रहती हैं वो भी कम से कम यहाँ से हट करके वहाँ पहुँच जाएंगे, और यहाँ अगर इसको नहीं इम्प्लीमेंट किया गया
तो ये ऐसे ही चलता रहेगा और ये सिर्फ खाना पूर्ति गौठान के नाम से जो चल रहा है वो चलता रहेगा। वेटनरी एक बहुत महत्वपूर्ण विभाग है जहाँ गौवंश सहित अन्य जीवों का इलाज व्यवस्था होती है, पर वो वेटनरी विभाग धरातल में कहीं नहीं दिखता। अगर आज गौवंश सड़क में घायल हुआ गौ, तो उसको कोई भी गौ सेवा के प्राइवेट व्यक्ति ले जाएगा, वेटनरी विभाग की एम्बुलेंस नहीं आती, उसके बाद डॉक्टर अस्पताल में मौजूद टाइम पर कभी नहीं रहेगा, उसको बुलवाना पड़ेगा, 2000 फ़ोन करने पड़ते हैं। वेटनरी विभाग की 24 घंटे की व्यवस्था जिले वाइज होनी चाहिए, मुश्किल से 2 घंटे की व्यवस्था होती है, दवाइयाँ बाहर से लेनी पड़ती है। कई अगर हमारे क्षेत्र में डॉक्टर नियुक्त है, वो डॉक्टर महीनों भर नहीं आता, वो अपने प्राइवेट क्लिनिक में इलाज करता है, और जो काम सरकारी मद में करना चाहिए वो काम वो नहीं करता। आज वेटनरी विभाग की स्थिति ICU जैसे, उनके पास एक्सरे मशीन नहीं है, सोनोग्राफी मशीन नहीं है, दवाइयाँ नहीं है, सिर्फ डॉक्टर का चेहरा है, वो भी एक टाइम लिमिट से भी कम में है। बाकी सब प्राइवेट क्लिनिक में सब चीज़ मिलेगा, पर सरकारी में नहीं मिलेगा। और क्योंकि वेटनरी विभाग के प्रति लोगों की रुचि कम है, पर हम लोग रात दिन उसमें काम करते हैं, हम जानते हैं वेटनरी विभाग ICU में किसी प्रकार की व्यवस्था, और वेटनरी विभाग के अधिकतर डॉक्टर एक्सपेरिमेंट करते हैं गौवंश में, उनके इंजेक्शन लगाने के बाद मर जाती है, पोस्टमार्टम में उनके उनकी रिपोर्ट आती है कि पॉलीथीन दे था। मैं 99 बोलता हूँ कि जो वेटनरी विभाग के जो डॉक्टर हैं वो सही अंदाज़ा लगा नहीं पाते, क्योंकि ना आपने ब्लड रिपोर्ट देखी, ना आपने एक्सरे करवाया, ना सोनोग्राफी करवाई, ना उसे कोई टेस्ट करवाया, आप अंदाज़ा इलाज करके उसके शरीर में गर्माहट पैदा हो, जिससे ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है और मर जाती है, एक तरह से गौहत्या वेटनरी विभाग करता है लगातार। मेरी मांग है वेटनरी विभाग को अत्याधुनिक रूप से, जैसे मनुष्य के लिए होता है वैसे व्यवस्थित रूप से व्यवस्थित बनाया जाए। फंड है, सारी चीज़ें हैं, पर नियत नहीं है, और नियत इसलिए नहीं क्योंकि सब डॉक्टर के प्राइवेट क्लिनिक, अगर यहाँ बंद जाएंगे तो वहाँ वो काम नहीं कर पाएंगे, वहाँ पैसा नहीं कमाएंगे, लाखों रुपये प्राइवेट क्लिनिक कमाते और लाखों रुपये तनखा यहाँ भी लेते हैं। पर वेटनरी विभाग अगर सही होता तो शायद आज गौवंश हो सकती, वेटनरी विभाग का काम था जमा बचाना गौवंश का, वो अपने उनके मेमोरेंडम के पूरे गौवंश को बचाना उनके मेमोरेंडम में, पर गौवंश बचाने के लिए वेटनरी विभाग काम नहीं करता ICU में।